आपके अंदर जो प्रॉब्लम है ये बहुत लोगों के अंदर प्रॉब्लम है गैस की, और इसकी प्रॉब्लम ऐसी है ये ठीक क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसकी रिपोर्ट नहीं आती है मेडिकल साइंस में। अपान, प्राण, उदान, समान, ब्यान, ये पांच प्रकार की जो वायु है ये शरीर में रहती है, और ये पांचों प्रकार की जो हवा है वो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भगवान ने बनाई है। पंच प्राण भी इन्हीं को कहते हैं, अपान, उदान, समान, ब्यान, ये पांच प्राण है। और क्योंकि प्राण ही वायु है, यम प्राणम गति ही दर्शन शास्त्र कहते हैं, जो यम है, यम का नाम है वायु, वायु है वही आत्मा स्वरूप है, वही भगवान स्वरूप है। हवा दिखती नहीं है किसी को, इसलिए उसका चेकअप नहीं है रिपोर्ट में, एसिडिटी की कभी रिपोर्ट नहीं आई आज तक, पर उसे ठीक करना है तो उसके लिए आपको पवन मुक्त आसन करना है। पवन मुक्त आसन, आप सीधे लेट जाइए, आकाश की तरफ मुंह करके पेट करके लेट जाइए, और पहले आप अर्ध पवन मुक्त आसन कीजिए, पेट की हवा को पूरी तरह निकाल दीजिए श्वास को, और एक पैर को दोनों हाथों से घुटने से पकड़ करके घुटने को कोशिश कीजिए कि थोड़ी गर्दन उठाएं और थोड़ा घुटना खींच के लाएं, गर्दन को खींचें, सीने की बराबर में ला करके एड़ी को, नाक को घुटने से टच कर दें और थोड़ी देर रोक के रखें। इसको कहते हैं अर्ध पवन मुक्तासन। दोनों घुटनों को एक साथ ले लीजिए और गर्दन को आगे बढ़ाइए, दोनों को श्वास छोड़ दीजिए, और फिर दोनों पैरों को खींचिए अपने घुटने के ऊपर से, हाथ लगा के इस तरह से, और नाक से थोड़ी सी लगाने की कोशिश कीजिए और रोकिए। ये पवन मुक्त आसन है। ये आसन सुबह 5 से 7 बार करना है, अर्ध पवन मुक्त आसन, फिर ये मुक्त आसन। ऐसा करने से आपकी एसिडिटी की शिकायत धीरे 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 कम हो जाएगी और नेचुरल आप फिट हो जाएंगे। आप नाम समझ रहे हैं आसन का, पवन मुक्त आसन। पवन माने वायु, पवन मुक्त आसन है। किसी की कितनी भी भयंकर गैस का रोग हो, सिर दुखता है, उल्टियां आती हैं, इतना ऊपर चढ़ा जाता है, तो ये सब चीजें। और दूसरा ये है, आप ये जानते होंगे, क्योंकि गैस हमेशा तभी निकलती है जब गोबर जमा होता है गैसर, गोबर गैस में, रोटी पकाने की गैस का विधान वैसे शरीर का है। मल द्वारा मल त्वेतम शास्त्र कहता है, चरक संहिता कहती है कि मल ही समस्त बीमारियों का कारण है। तो आपके शरीर में मल जमा है तो उसको साफ करना है, तो साफ करने के लिए उसके प्रकार है। आप मेडिकल पे जाइए, वहां एनिमा की किट मिलती है, तो लगातार 5 दिन एनिमा लीजिए। पहले पेट साफ कीजिए, जबरदस्ती साफ कीजिए एनिमा से, उसके बाद में आधा गिलास दूध लीजिए गरम, उसमें सफेद कलर का अंडी का तेल आता है, आधा चम्मच वो डालिए, और रात को गरम गरम दूध को अंडी का तेल घोल करके रात को थोड़ा थोड़ा पी लीजिए, आपका आत अच्छा हो जाएगा, मला से अच्छा हो जाएगा, और भोजन पचने लगेगा, गैस खत्म हो जाएगी। ये घरेलू आपका उपाय है। और कोशिश कीजिए अजवाइन भून के रखिए, थोड़ा नमक मिलाइए अजवाइन में, हल्दी डालिए और नींबू निचोड़ के उसे मिला लीजिए, और फिर गरम सेक लीजिए तवे पे रख लीजिए। सुबह उठ करके ब्रश आदि करके पहले थोड़ा सा अजवाइन चबा लीजिए और पानी पी लीजिए, गैस खत्म हो जाएगी। अलावा कोशिश कीजिए कि आप ये दवा मंगा सकें, ये दवा अगर आप 2 गोली रात को गर्म पानी से ये दवा लेते हैं तो आपका मला से आपकी आत पूरी शुद्ध हो जाती है, इससे फिर एनिमा नहीं लेना पड़ेगा आपको। ये दवा आपको प्राप्त हो और आप हमारे पास आइए, क्योंकि पेट लंबे समय तक अगर साफ नहीं होता है तो गैस बनती है, गैस ब्रेन को जाती है तो माइग्रेन बनता है, और कभी कभी उसी गैस की वजह से लकवा हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, कोमा में चले जाते हैं। तो आप उस तक ना जाएं तो पहले ही आप इस तरह का करें, ये दवा लीजिए। ये उपलब्ध नहीं हो गई आपको, इसके साथ में ये लीवर की दवा भी आपको लेनी पड़ेगी, ये दोनों लेनी पड़ेंगी आपको।